नमस्कार, वेलकम टू स्टडी जॉब लाइन। दोस्तों, रेलवे में 5700 पदों के ऊपर बड़ी भर्ती निकली है और दोस्तों ये बिल्कुल सीधी भर्ती है। यहाँ पर आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, और चाहे आप इंडिया के किसी भी राज्य में रहते हो। दोस्तों, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वीडियो में हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और देख लेते हैं पूरी जानकारी। लेकिन सबसे पहले, जो विद्यार्थी चैनल के ऊपर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की सूचना सबसे पहले उपलब्ध करवाई जाती है। दोस्तों, काफी सारे विद्यार्थियों का सपना होता है कि वो रेलवे में गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, क्योंकि रेलवे एक ऐसा विभाग माना जाता है जिसमें अगर आपकी जॉब लगती है तो इसका मतलब आपको कम काम करना पड़ेगा और आप आराम से पूरी जिंदगी इसमें पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर से डाउनलोड करते हैं, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थियों को विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि नोटिफिकेशन फेक है। तो दोस्तों, यहां पर ये है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट। इसमें आपको यहां पर देखिए एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन। अब दोस्तों, आपको इसमें भी दो लिंक है, एक तो नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का, दूसरा अप्लाई करने का। आपको नोटिफिकेशन जो वाला लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए, नोटिफिकेशन आ गया। अब हम इस पूरे को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी बताई गई है। सबसे पहले दोस्तों, वैकेंसियां देखें कितनी है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये वैकेंसियों की सारणी है, लंबी सारणी है, इसलिए आप जल्दी से देखिए। एक बार यहां पर आप पूरी सारणी देख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 5700 पद मिल जाएंगे। देखिए आप, बहुत बड़ी सारणी है, हम आपको जल्दी से एक बार दिखा देते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी सारणी है, इसमें आपको अलग अलग पद बताए गए हैं कि किस पद के लिए, यानी आपको किस पद पर क्या काम करना होगा। जिस प्रकार से देखिए, इलेक्ट्रीशियन, फिर मैकेनिक, फिटर, वेल्डर, इस प्रकार से यहां पर पोस्ट का नाम है और उसके सामने फिर पोस्टों की संख्या, वैकेंसियों की संख्या कितनी है वो लिखी हुई है। यहां पर आपको हर एक पोस्ट के लिए वैकेंसियां मिल जाएंगी। अब दोस्तों, बात आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की और एज लिमिट की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एज लिमिट देख लेते हैं। दोस्तों, आप यहां पर देखिए, ये आपको एज लिमिट बताई गई है। इसमें एज है 15 से 24 साल। 15 साल से 24 साल तक के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी ओबीसी को 3 और 5 साल की छूट मिल रही है, जो कि अन्य गवर्नमेंट जॉब में दी जाती है, और पीडब्ल्यूडी को और एक्स सर्विसमैन को 10 साल की छूट मिल रही है। अब दोस्तों, देख लेते हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10वीं और 12वीं पास तथा प्लस में आईटीआई। अगर दोस्तों आप 10वीं पास या 12वीं पास, लेकिन प्लस में आईटीआई होनी जरूरी है, 10वीं आई या फिर 12वीं पास और आईटीआई, इस प्रकार से अगर आप हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस। जी हां दोस्तों, अप्रेंटिस की पोस्ट है, इसलिए इसमें आईटीआई होना जरूरी है, हम आपको पहले ही बता देते हैं। अब दोस्तों देखिए, आईटीआई किस क्षेत्र में हो, वो उसी क्षेत्र से हो जिस क्षेत्र के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। जिस प्रकार से यहां पर देखिए, अलग अलग ट्रेड दिए गए हैं, अगर आपने इनमें से किसी भी ट्रेड से आईटीआई की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम आपको दिखा देते हैं इसके लिए एप्लीकेशन फीस। तो दोस्तों, एप्लीकेशन फीस है, दोस्तों यहां पर बताया गया है कि जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं या वुमेन कैंडिडेट्स, उनको आवेदन शुल्क देने की जरूरत नहीं है, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं ओबीसी और साथ साथ जनरल से, उनको 100 रुपया यहां पर आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो आपको 100 रुपया खर्च करना होगा। दोस्तों, यह इसकी पूरी जानकारी, और आप आवेदन करने से पहले एक बार ये पूरा पढ़ लेना। यहां पर दोस्तों सिलेक्शन आपका सीधा होगा, जो आपके 10वीं बारे में नंबर है उनके आधार पर ही मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी, और उसमें अगर आपका नंबर आया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, आवेदन शुरू होने की डेट यहां बताएगी 10/12/2018, 10 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू हुए हैं, और लास्ट डेट है 9 जनवरी। 9 जनवरी के शाम के 5 बजे तक आप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना चाहते हैं और नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल वेबसाइट के इस पेज का लिंक मिलेगा। यहां पर आते ही आपको 2 लिंक मिलेंगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और आवेदन करने का। जिस भी लिंक का आप उपयोग करना चाहें उसे उपयोग कर सकते हैं, और इसके लिए घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह था आज का गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी जरूर बताएं। ऐसे अगर आप लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की सूचना सबसे पहले पाना चाहते हैं तो स्टडी जॉब लाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी भूलें, और आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और अपनी दोस्ती निभाइए, क्योंकि अगर आप अपने दोस्तों में से शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।